अरे वैसे योगी जी, जब ये बालू की खुदान बंद हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, कभी सोचा है तुमने क्या? अगर सोचा है तो कुछ बताओ प्लान आगे का, नहीं तो हम लोग ये बालू ढोते ढोते कभी बंद करवा दिया सरकार ने, फिर क्या करेंगे? ये अखिलेश के वहां पे तो पता है कि भट्ठा चल रहा है इनके चाचा का, तो वहां भट्ठा में काम कर लेंगे हम लोग। पूछो उनसे एक बार अकेले में कि भट्ठे पे अगर काम करने दे इनको क्या लगता है, क्योंकि अब ठेका में बंद करने वाला हूँ बालू का, बहुत भारी नुकसान हो रहा है, इतना वजन उठाना पड़ता है तब थोड़ा बहुत कमाई हो पाती है, जरा योगी जी बताओ तुम। अरे मोदी जी, हम तुमका का बताएं, कभी कभी मैं भी सोचने में बीमार हो जाता हूँ, ये सोचता हूँ अगर बालू की खुदान बंद हो गया तो अपना ठेका भी बंद हो जाएगा, जब ठेका बंद हो जाएगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, अब तुम ही बताओ। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ मोदी जी आपको, मैं कभी भट्टे में काम नहीं करूँगा, तुम्हें करना होगा तो कर लेना, लेकिन मैं भट्टे में काम करने वाला नहीं हूँ। फिर मैं यही एक चाहता हूँ कि हम लोग सब्जी बेचना स्टार्ट कर देंगे, अच्छा खासा मुनाफा होगा और अच्छा खासा फायदा भी होगा, तो क्यों ना हम सब्जी बेच लें, किसी के भट्टे पे क्यों काम करें। अखिलेश भी बहुत अकड़ता रहता है कि मेरे पास भट्टा है। अरे योगी जी, इतना बड़बड़ा क्यों रहे हो, इतना बड़बड़ा क्यों रहे हो, तुमसे किसने बोला कि मेरे भट्टे पे काम करो? तुम्हें कभी मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे भट्टे पे काम करो, क्योंकि तुमसे एक तसली बालू तो उठना नहीं जाता, तो तुम ईंट कहाँ से उठाओगे? अरे मैं करवाना होगा तो मैं लालू जी से काम करवाऊंगा अच्छा खासा। तुम अपना जो मर्जी हो करो, मर्जी सब्जी बेचो, मर्जी फूल बेचो, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा नाम बार बार मत लिया करो तुम दोनों लोग, बहुत मुझे परेशानी होती जब मेरा नाम लेते हो तुम लोग, आगे से नाम मत लेना, मैं आखिरी बार तुम लोगों को बता रहा हूं। अरे तुम लोग कुछ भी कर डालो, लेकिन मैं एक काम करूंगा, तुम लोगों से बता देना चाहता हूँ कि मैं खोलने वाला हूँ किराने की दुकान, मैं इतना ही काम करूंगा। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। ये बताओ तुम लोग कितने दिन से चोरी कर रहे थे टमाटर की, कितने दिन से तुम लोग कर रहे थे, ये अब सारा पता लगाना पड़ेगा, तभी तुम लोगों को अच्छे से सजा सुनाऊंगा। ये बताओ योगी जी, इन लोगों का क्या करें, 5 टोकरी टमाटर बरामद हुआ है, अब ये किसके खेत में? ये कभी कभी मुझे शक होता है कि नितेश कुमार के खेत में लगा हुआ था टमाटर, वो बार बार वहाँ पे कंप्लेन लिखा रहे हैं, उन्हीं का टमाटर है ये, तो क्या करना चाहिए योगी जी इनके साथ? टमाटर इनका वापस दे देते हैं, और ना होता है तो कुछ बताओ, कुछ कर लेते हैं इधर उधर की बातें। अरे मोदी जी, इधर उधर की बातें क्या कर लेते हैं आप बताओ? अरे इधर उधर की बातें तो हम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, पर इन्होंने चोरी किया है टमाटर, टमाटर में क्या बातें कर ले? चलो ठीक है, जैसा तुम बताओ वैसा हम बातें कर लेंगे, लेकिन केजरीवाल और अखिलेश के बारे में क्या सोच रहे हो? इन्होंने तो ज्यादा टमाटर चोरी किया, इन्होंने तो एक ट्रक का ट्रक पूरा गायब कर दिया था, अब बताओ इनके साथ क्या करना है? इनके साथ एक काम कर सकते हैं हम लोग, मोदी जी अगर मेरी बात मानो तो इनसे कुछ ले दे करके काम चला लो, और इनको फिर रफा दफा कर देते हैं, देखो ये क्या कहते हैं, एक बार इनसे बोलो अखिलेश से। अरे योगी साहब जी, हम कभी आगे से ऐसा गलत काम कभी नहीं करेंगे, अब की बार छोड़ दो, कभी मैं नाम भी नहीं लूंगा। अरे मुझे पता नहीं था, मैं तो घर में बनाने के लिए उठा लाया था टमाटर, वैसे मैं कोई कभी चोरी थोड़ी करता हूँ, अरे घर बनाने के लिए टमाटर लाए तो इतना बड़ा तुम बता रहे हो। अरे ऐसा करो साहब, मोदी जी अब की बार छोड़ दो, आगे से कभी गलती नहीं होगी, अगर ले जाना चाहते हो तो केजरीवाल को ले जाओ अपने साथ। अरे मुझे क्यों ले जाएं, मुझे किस बात के लिए, मैं तो मांग लेकर आया हूं एक टोकरी टमाटर, और ये लोग पैसे से खरीद लेकर आए। तुम अखिलेश डरपोक हो एक नंबर के, क्यों डरते हो भाई, मैंने कौन सा चोरी किया है? ये तो योगी जी मोदी जी फर्जी के बसा रहे हैं। अरे मैंने कोई चोरी नहीं किया है, और ना ही कोई मैं पैसे वो कुछ भी देने वाला। भाई लोग वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। अखिलेश, इस गेहूं की बोली मैं लगाऊंगा, जितनी भी बोली जाएगी, जितनी ऊपर तक जाएगी, इस गेहूं को मैं खरीदूंगा। अभी मैं रजिस्टर लेके आया हूं, जितना का सारा गेहूं मैं खरीद वाला हूं। ऐसा करो अखिलेश, तुम अपने घर जाओ, तुम नहीं खरीद सकते, मैं जितनी भी बोली लगेगी सारा गेहूं मैं अपने नाम लिखवाऊंगा। ये योगी जी से मैं बता देना चाहता हूं, योगी जी आप जितना बोली लगा सको उतना बोली लगाओ, सारा का सारा गेहूं मेरे नाम लिखो, और कोई नहीं ले सकता, जितने लोग भी आए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं ले सकता, तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को केजरीवाल, मैं सारा का सारा गेहूं खरीद सकता हूं।
जितना भी बोली लगाएगी वो 1 लाख तक बोली जाएगी तब भी मैं खरीदूंगा। अरे मैं पहले बोली लगवाऊंगा, देखता हूँ किस में कितना दम है। अभी दूध का पानी, पानी का दूध अलग हो जाएगा। तो ऐसा करो योगी जी, तुम बोली लगवाओ, इसका सीधी सी बात है, तुम बोली लगाओ, जो आगे जाएगा वो गेहूँ खरीदेगा। किसी के कहने से ऐसे थोड़ी होता है। बोली लगवाओ योगी जी, बोली लगवाओ। अरे तुम लोग आपस में मत लड़ो, ठीक है, मैं बोली लगवा देता हूँ, आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो। बोली लगवा देता हूँ, देखता हूँ कितने में दम है सबके पास, जो खरीदना चाहेगा वही गेहूँ खरीद सकता है, तो वो देखते हैं। अब आपस में लड़ाई करके यहाँ पे बोली मत बिगाड़ो। चलो सभी के बीच में मैं बोली लगाने जा रहा हूँ, तो मैं बोली रखता हूँ 5,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। कौन लेना चाहता है जल्दी बताओ, प्रति कुंटल 1, प्रति कुंटल 2, जल्दी उठाओ। 8,000 के रेट से गेहूं मैं खरीदता हूं, प्रति कुंटल 1, 8,000 रुपए में गेहूं मेरे नाम लिखा जाए फटाफट। चलिए योगी जी हमारे नाम लिखिए, मैं 10,000 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से मैं गेहूं खरीदता हूं, फटाफट मेरे नाम लिखा जाए, सारा का सारा गेहूं मैं खरीदूंगा, और कोई खरीद नहीं सकता। चलिए लिखिए सारा का सारा, चलो 15,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से लिख दीजिए, कोई बात नहीं। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।